देखता हूँ कि टीवी पे मेरी शक्ल आ रही है। टिंडे लग रहे हो छोटे से। पहले डैडी मैं चली जाऊंगी, फिर 3 महीने बाद आऊंगी। मेरे जबान नहीं खाली, उनके करतूत काले। जो आप बोलें, जो आप हुक्म करें। अम्मा चले, एक तस्वीर। डैडी वेट कर रहे हैं, करने दो ना। इतनी उन्होंने 10 घंटे हमें सुनाई। अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप मेरी शक्ल से देख रहे होंगे, मैं अभी भी लिटरली सो के उठा हूं और मैं बाहर ही लाउंज में आता हूं, देखता हूं कि टीवी पे मेरी शक्ल आ रही है। वो देखिए आपका भाई, वो रहा, टिंड आ रही है आपको नजर मेरी। ओ हो 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 हो, यहाँ पे बाल कम थे। ओ आपका भाई, तुम्हें नेक ख्याल कैसे आया, तुम्हें कैसे पता था कि हम टीवी पे आ रहे हैं? रियली? अच्छा गाइस, ये वाला जो शो है ना, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, वैसे जनरल नॉलेज के, ये तकरीबन 2 महीने पहले रिकॉर्ड हुआ था। जाहिर है मेरे थोड़े बाल आ गए, उस टाइम मेरे बाल भी नहीं थे, तो ये काफी टाइम हो गया वैसे रिकॉर्ड हुए। तो यहाँ हाँ उम्र से आए थे। भाई आप अरनिया मेरा मजाक उड़ा रही है यार, बार बार देख के टिंडे लग रहे हो छोटे से। तो था ना टिंडा यार, अब बाल आ गए हैं तो मैंने स्टाइलिंग की हुई है। भाई अम्मा शो में इतना इन्वेस्ट हो गई है, अभी किचन में आई। मैंने कहा क्या करने आई है? अम्मा कहती है कि क्या लेने आई हूँ, फुल ईद स्विंग भी है। और भाई अम्मा को खीर खुरमा खाने का, कल हमने कुछ खाया ही नहीं था, मीठा मीठा। खीर खुरमा तो अली ने खत्म कर दिया था रात में सारा। एक काम करो, इसको भी और बर्फ डाल लो, इसमें बहुत ज्यादा है। शाही टुकड़े हाँ। जनिया की यूके जाने में तकरीबन 2 दिन ही रह गए, तो मैंने जनिया को बोला कि अपनी एस्प्रेसो मत पियो, मैं तुम्हें प्यार से अपनी एस्प्रेसो शॉट निकाल के देता हूँ, और उसके लिए ये इतनी बर्फ डालती हूँ। दिस इज नॉट नॉर्मल, वैसे पता नहीं वैसे इतनी बर्फ क्यों होती है, लेकिन क्योंकि आपका भाई बेस्ट एस्प्रेसो शॉट निकालता है तो ये भाई का काम। मैंने कहा एस्प्रेसो को फेंक दो, उठा के फेंक दो, कोई फायदा नहीं। क्या हमें तकरीबन 4 घंटे हम ना यार भाई के स्टूडियो पे थे, से बड़ा एक लंबा काफी लंबा शो था। तो नहीं नहीं वो वाला नहीं, वो फिर कंप्लीट एक फैमिली जवाब दे रही थी उसका, वो वाला तो पूरा यार एक सेगमेंट उड़ा दिया। मैं तो इतना एक्साइटेड था, मैं कहा अम्मा हम तो सेगमेंट में भुक्कड़ लग रहे हैं क्योंकि हम खाना खा रहे हैं। बहुत कुछ था, कबाब थे, शीर खोरमा था, कढ़ाई, पुलाव, बिरयानी। हाँ इसको जाया नहीं करते, फिर हम दूर से करने है कि नहीं यार, इसको यहाँ पे रखना है। इस लेने निकली क्योंकि इसकी डिस्ट्रीब्यूट सही नहीं किया, क्लम्प्स निकालो सही से। भूख बहुत ज्यादा लग रही है और खाने में कुछ खास बना नहीं है, क्योंकि हमने प्लान किया था कि हम रात को जाएंगे डिनर के लिए। अब डिनर के लिए तो रात को जाना है, लेकिन दिन में और शाम में कुछ था नहीं खाने को, तो कल वाला खाना पड़ा हुआ था। मैंने कहा यार रिलेटिवली जरा क्लीनर खाना खा लेते हैं, ये पड़ा हुआ था उसको जरा मैं चांपो को एयर फ्राई करूंगा, तो ये मीट यहाँ से मिल जाएगा। चावल अम्मा ने बोला कि फ्रिज में पड़े हुए हैं, तो चावल भी जरा देखता हूँ।
नजर तो वैसे आ नहीं रहा। केक पड़ा हुआ है, लज़ानिया पड़ा हुआ है, शीर खोरमा पड़ा हुआ है, नहीं मिल रहा। चावल तो नजर नहीं आ रहे। चलो जी चाम पे ऑन इट्स ओन खाते हैं, लेकिन एयर फ्राई करते हैं। थोड़ी क्रिस्पी हो जाएंगी, अभी ज़रा थोड़ी सॉगी है। एंड यार ये तो काफ़ी कम है, इससे थोड़ी भूख नहीं ख़त्म होगी, और भी किसी चीज़ का बंदोबस्त करना पड़ेगा। टाइम लगाते हैं इसको 10 मिनट का, 8 कर लेते हैं, और इसको 190 डिग्रीज पे करके शुरू। यार अभी एक बड़ी मज़े की चीज़ हुई, मैं अम्मा के पास गया, मैंने कहा अम्मा चावल तो है ही नहीं, आप तो कह रहे थे कि चावल है, इधर आओ ज़रा मेरे साथ। मेरे साथ आई, फ्रिज खोला, और यार ये सामने चावल ही पड़े हुए थे। चलो ये भी बंदोबस्त हो गया, तो अभी का तो बंदोबस्त हो गया। रात को कहीं जाएंगे, धनिया गई अपने यूके की ट्रिप की शॉपिंग वगैरह करने, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा वहाँ पे। तो मैंने कहा इतनी देर में जिम हुआ तो मूड तो पूरा है, तो बस ये खाना खा के थोड़ा सा खाना हजम हो जाए, फिर जिम चलता हूँ। भी गर्म हो गए, ये भी हो ही गया यार, उन्हें ज़्यादा ही सड़ जाएगा। जस्ट इन केस मैंने ये थोड़े से, मुझे कबाब भी मिल गए, मैंने कहा ये भी ले लेता हूँ। रिसेंट मील वापस डाल दो। चलने बिस्मिल्लाह, आ जाओ भाई बिस्मिल्लाह। यार इतनी देर से गई हुई थी तो मैंने सोचा मैं जिम चला जाऊँ, मैं जिम चला गया। तकरीबन 2-3 एक्सरसाइज रहती थी, मैंने कहा आराम से कंप्लीट करके आऊँगा, क्योंकि ये बहुत देर लगानी थी, रात को 10:30 बज गए थे। मैंने कहा यार अब मैं जिम ही लगाता हूँ, आराम से चलूँगा। आई वॉज अज्यूमिंग कि हमारा डिनर का प्लान कैंसिल हो गया। इतनी देर में मुझे कॉल आती है कि अली किधर हो? यार मैंने तुम्हें बोला था ना हमने डिनर पर जाना है। मैंने कहा हाँ बट काफ़ी लेट नहीं हो गया? लाइक अभी टाइम हो रहे हैं 11। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा रेस्टोरेंट है जो 11 के बाद ऑपरेट कर रहा है। ना खुला हुआ तो मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू से खाना लेके बैठ जाएंगे और तस्वीरें खींच लेंगे। मैंने डैडी को बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की कि डैडी हमारे साथ चलें, लेकिन डैडी बोला ओ नहीं यार मुझे रिटायर्ड लाइफ इंजॉय करना। मैंने कहा तो आपके रिटायर्ड लाइफ को कहाँ है सर दर्द? सोचो हाँ डैडी को पहले, डैडी डैडी मैं चली जाऊंगी फिर 3 महीने बाद आऊंगी। डैडी लेट हो रहे हैं, चले आओ ना। डैडी नहीं जा रहे, वॉकिंग ट्रिप तो खैर है, कोई बात नहीं, कभी कभी अर्जेंट प्लान भी बन जाते हैं। आइसक्रीम खा के आ जाएंगे। डैडी जल्दी आ जाओ ना, उठो ना, कोई बात नहीं, लॉक करके चले जाएंगे। पर ये जो हमारी डिवास है ना, इनकी तैयारी भी तो खत्म नहीं हो रही। अम्मा हमेशा बोलती मैं तो रेडी हूँ, मैं तो रेडी हूँ। सेम कलर पहना हुआ ऑलमोस्ट। नहीं यार सेम कलर बट लाइक डिफरेंट पैलेट्स। मुझे तुम बोल रही होती हो कि मैं कलर प्लान कर रही हूं, तीनों लड़की सेम कलर पहना हुआ है। तुम पागल तो नहीं हो? अपना कलर देखो कैसे फैमिली एक ही कलर। क्या मतलब? वो कोई मरून टाइप का है, वो डार्क पर्पल है, वो लाइट पर्पल है, डिफरेंट है। हाँ तो कलर्स तो डिफरेंट है। मैं डैडी को कन्विंस करो ना, एक और बोलो थोड़ा सा। ही इज दिस क्लोज टू एग्रीइंग, ट्रस्ट मी। अच्छा चलो आ जाओ चलो। आप लड़ने की आवाज़ आ रही है। आज हम डिनर पे तो जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं हमें खुद नहीं पता। टाइम और टाइम है 11 जी, और ज़रा क्लोजिंग टाइम चेक कर लो। ये ना हो कि हम पहुँचे हैं और रेस्टोरेंट ऑलरेडी बंद हो। अम्मा जी रेडी हैं फाइनली? हाँ। डैडी को देख लो ना। यार तुम मुझे बोल रही थी कि अच्छा नहीं, तो खाना देखो ना अच्छा कहाँ है। डैडी को फाइनली हमने मना लिया कि हमें रेस्टोरेंट समझ नहीं आ रहा और देर बहुत होगी। अगर ऐसे रेस्टोरेंट गए जो ऑलरेडी बंद हो चुका हुआ, क्योंकि मैं कॉल यहाँ पे कर रहा हूँ वो भी उठा नहीं रहा, तो डैडी ने बहुत जलील करना है भाई। गाड़ी हम जाएंगे जरा इस गाड़ी में, क्योंकि बाहर वाली गाड़ी में तो आएंगे नहीं। उठाया फोन? अभी तक नहीं उठाया। कहाँ जाएंगे? डैडी के बैठने से पहले डिसाइड कर लो कहाँ जाना है। पता नहीं यार, 12 बजे से पहले तंदूरी बैकअप रख लेते हैं, तंदूरी पूछ लेते हैं, देखते हैं। चॉप चॉप वॉक तो खुला होता है ना, आई थिंक 12 बजे तक, तो वहाँ भी जा सकते हैं। F10 वाला तंदूरी हाँ बैकअप के लिए रख लो, और चॉप चॉप वॉक वैसे जा सकते हैं। चॉप फिर तंदूरी प्रेफरेंस होगा, चॉप चॉप थोड़ी। आज कितने बजे तक खुला हुआ है रेस्टोरेंट? 2 बजे तक। और कोई ऑप्शन रखनी है दिमाग में?
जगह नहीं है तो डैडी ने खुद ही प्रपोज किया कि भाई इतना ख्वार हो कि क्यों जाना है, दो अलग अलग गाड़ियां लेते हैं। डिग्गी में बैठने वाली थी एज ऑलवेज। हां उस डिग्गी में वैसे तुम आती नहीं, फोन कनेक्ट नहीं हो गया, ब्लूटूथ ऑन नहीं, तो वो वाली गाड़ी मैंने, तो वो वाली गाड़ी उमर को मैंने दे दी है और ये वाली गाड़ी बिक्की बेचारा बहुत उदास, हमने टेरेस पे उसको छोड़ दिया कि यार चलो एटलीस्ट बोर ना हो। तंदूरी में ना बड़ा अच्छा सीन था आउटडोर का, डैडी को सर्दी भी लग रही है और मौसम भी बहुत अच्छा है, तो हमने सोचा कि पायर ही बैठे पायर की प्लेटर मटन कढ़ाई। ये किसका है? मेरा। मुझे बताना व्हेन टू स्टॉप। मेरी मेरी डाइट है बस, बहुत जी खाऊँ मैं कुछ भी लेकिन मैं ड्रिंक डाइट ही पीता हूँ, मैं एक बाइट देता हूँ। गला बहुत अच्छा हुआ, जल्दी खाओ मुझे भूख लगती है। वैसे हम खाना खाने आए थे और खाना खाते हुए ना अनिया तब से मैच देख रही और अम्मा ने नज़र लगा दी, अम्मा ने बोला था कि पाकिस्तान हार जाएगा और पाकिस्तान हारने वाले, हार नहीं गया अभी तक, दो रन चाहिए पांच बॉलों जो कि हो नहीं सकता, हो ही तो सकता है, नहीं होगा, न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा है हो जाएगा यार, अम्मा ने बोला था अभी, अम्मा की वजह से हुआ है। जब मैंने अम्मा को बताया था मैं मैच देख रही हूँ, जब मैंने अम्मा को बताया था मैं मैच देख रही हूँ तब न्यूजीलैंड को 120 रन चाहिए थे 60 बॉल्स में, कभी भी ना बनते। अभी कितने? दो रन पांच बॉल और रन्स कितने हैं? दो रन पांच 192। बड़ा स्कोर कर लिया यार, हाँ तो ये तो प्रेशर मोमेंट होता है, ये बस एक और हो गया। अम्मा हार गया पाकिस्तान, मेरे जबान नहीं काली इनके करतूत काले हैं। साहब वी हैड अ वंडरफुल मील, मतलब तंदूरी का खाना वाकई बड़ा अच्छा था, काफ़ी साल पहले आया था उस टाइम याद नहीं है कैसा था क्या था, बट F10 वाली ब्रांच में भी आए हैं, वेरी नाइस अमेजिंग फूड, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। डैडी यहाँ पे लाइफ लेसन इनको दे रहे हैं, लाइफ लेसन चल रहे हैं भाई, तो मैंने इनको बोला है कि आइसक्रीम के लिए जाना है, आइसक्रीम स्पॉट बंद हो जाएगा और ये इनका फोटो शूट यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा। अम्मा चले चले एक तस्वीर, डैडी वेट कर रहे हैं, करने दो ना, इतनी उन्होंने 10 घंटे हमें सुनाई है। अच्छा डैडी से बात कर रहे हैं, तो डैडी डैडी ने उमर की जो क्लास ली है ना, मतलब वो क्लास नहीं थी बस लाइव लेसन था, यार डैडी वेट कर रहे हैं, करने दो ना, 10 घंटे उन्होंने जो हमें लेक्चर सुनाया। दूरी से फारिग होने के बाद हम जरा यहाँ पे आइसक्रीम खाने आगे, यूजुअली हम स्वीट क्रीम जाते थे, इस दफा हमने जरा माइंड चेंज किया, हमें याद है हम एक दफा गए थे PWD वाली वॉफल्स बाय वहीद पे, फिर हमें याद है हमने कहा वॉफल तो बड़े अच्छे थे क्योंकि थोड़ा ठंड ठंड वाला माहौल हो रहा है, हमने कहा थोड़ा सा गर्म वे ठंडा हो जाए क्योंकि अनिया को चाहिए था गुलाब जामुन जो कि इस टाइम तो हमें मिलेगा नहीं, तो फिर हम वॉफल्स वहीद है, हमने कहा अभी फिलहाल यही चलते हैं, हमने कहा यही अभी फिलहाल काम चलाते हैं। वो रही डैडी की गाड़ी, ये रहे हम, और जितनी देर में अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे तो अनिया मुझे बोलती कि मेरी पिक्चर्स लेना, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ना फ्लैश फ्लैश से तुम्हारी पिक्चर्स लेता हूँ, तो मैंने कहा अच्छा पोज करो थोड़े दो तीन मुझे ना पोज दो, तो कहती ऑल्टो में पोज करो, क्लासेस टॉरेट, मैंने ये नहीं बोला ली, तुमने बोला था एस्थेटिक्स, मैंने बोला ऑल्टो के अंदर अब क्या एस्थेटिक्स आएंगे। अच्छा यहाँ पे मेरे पास अगर सिविक होती अभी तो उसमें क्या एस्थेटिक्स होते? उसमें भी कोई एस्थेटिक्स ना होते, सिर्फ एस्थेटिक्स होते मर्सिडीज में या ऑडी में, जिसमें ना वो एस्थेटिक सी टेस्ला में। नहीं तुम्हारा हस्बैंड लेगा, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड ना टेस्ला पाकिस्तान में कभी नहीं लेगा, बाहर लेगा। मैं अपने हस्बैंड को पाकिस्तान में टेस्ला लेने भी नहीं दूंगी। हाँ पता चले मैं दिन तुम्हारी बोरी तैयार हो जाएगी। नहीं ऊपर से मुझे पता चले मैं मोटरवे में निकल रहा हूँ, ओ इसकी बिजली खत्म हो गई, इसकी चार्जिंग खत्म हो गई, उसको चार्ज पे लगाना 8 घंटे इसका चार्ज का वेट करें। नहीं भाई आई एम गुड विद गैसोलीन कार्स, आई डोंट लाइक इलेक्ट्रिक कार्स। हाँ शशके शुशके बहुत हैं, उसके लिए मैं लूँ चलाऊँ, बस इतना अमीर होना कि मतलब $1.5 लाख की क्या गाइस माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है, और मैंने इनको बोला कि द ओनली टाइम आई फॉरगेट टू तारीफ यू इज व्हेन आई एम वेरी डिस्ट्रैक्टेड, के पहले दिन मैं इनको ना कॉम्प्लीमेंट करना भूल गया, तो ये मेरे से थोड़ी सी नाराज हो गई थी, तुमने मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, मैंने कहा देखो यू लुक अमेजिंग यू लुक ब्यूटिफुल, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मैं डिस्ट्रैक्टेड बहुत है, मेरा ध्यान कहीं और, तब देखा नहीं बंदे ने, तो अब इतना तो यार माफ़ी चलती है। अच्छा क्या है कैसे अगली गाड़ी में गाना लगा हुआ है, अनिया उसका वाइब कर रही है, मैंने उमर के साथ
तस्वीर लगाई उस पिक्चर में लिखा है पहली दफा उमर को हंसते हुए देखा। हाँ से बात तो सही है। तो प्यारा लग रहा है यार, देखो दिखाओ। हाँ दांतों वाली। क्योंकि जब भी आप उमर को हंसते देखते हैं तो उमर का हम सारे एक्नॉलेज चाहे आई एग्री कि है तो ज्यादा प्यारा। उमर ना हंसता नहीं है। उमर का मतलब बड़ा सटल हंसी का तरीका होता है। मतलब नाक को उमर ने अगर यहाँ से यूं कर लिया ना यूं, तो इसका मतलब है उमर शर्मा रहा है या हंस रहा है। तो ये एक इंडिकेटर होता है। मतलब वो खुल के वो बहुत कम होता है। काफी वेट करने के बाद हमारा फाइनली जो वॉफल है वो आ गया। इट लुक्स वेरी नाइस। मैंने बड़ा आई लाइक क्रिस्पी वॉफल्स। मुझे ना नाइस बट क्रिस्पी ऑन द आउटसाइड एंड सॉफ्ट ऑन द इनसाइड। दिस इज टू क्रिस्पी। और डैडी लोगों ने तो वेट भी नहीं किया यार, बस आइसक्रीम आई गाड़ी में रखी और निकल गया। और मुझे कहते हैं कि पीछे फॉलो कर। हमने तो वॉफल खाना है, हमारी तो आइसक्रीम पिघल जाएगी घर आते आते, तो हम तो खत्म करके जाएंगे। तुम्हें हमारी ट्रेडिशन याद है ना? कौन सी ट्रेडिशन? जिस दिन मैं जा रही हूँ उस दिन हमने मैकडॉनल्ड्स का नाश्ता खाना है। जो आप बोलें, जो आप हुकुम करें, हम वो सब करेंगे। आपको गुलाब जामुन भी आपका खावन ला के देगा। दो दिन ही तो है, बस उठा लो नखरे। वैसे बाथरूम में आया, मुझे डर लगना शुरू हो गया कि भाई अनिया के चेहरे को क्या हो गया। यहाँ जरा देखें यार, ये इधर इधर मुड़ो, ये देखें यार, सारा यहाँ से मुंह लाल हो गया। लिपस्टिक है भाई वो। डैम सन। फॉर क्लेंजिंग। व्हाट क्लेंजिंग? व्हाट? साबुन से मुंह धो लो, फेस वॉश से मुंह धो लो। उससे नहीं सही उतरता ना। उतर जाता है यार। तो पहले यू हैव टू डबल क्लेंज विद एन ऑयल बेस्ड क्लेंजर एंड देन अ सोपी बेस्ड क्लेंजर। यार कभी-कभी मैं सोचता हूँ कितनी बड़ी ब्लेसिंग है लड़का होना, खर्चा भी कम, एक ही चीज। वो मतलब लड़के जो होते हैं ना वो शैम्पू, बॉडी वॉश, ऑल इन वन सारी चीजें यूज करते हैं। जी आप ही हैं वो जो फोमी हैंड वॉश ला दो पांच हैंड बॉडी वॉश के, सेरामिक का फेस वॉश का है। यार ऐसे ऑनेस्टली ऑन अ वेरी सीरियस नोट आप लोगों को फेस वॉश दिखा दो। किधर गया वो? किधर? वहाँ। ये रहा यार, क्या कमाल फेस वॉश है। लाइक क्रीम टू फॉर्म, मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा। नंबर टू फेवरेट जो है मेरा वो है ला रोश पोसे, वो ये वाला। एंड ये नंबर थ्री में स्टॉप बीइंग डिस्गस्टिंग। एंड ये तीन, एंड ये थर्ड पे ये वाला। लेकिन यार इसका एक प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा ना ऑयल लेकिन खैर यार हाइड्रेट बड़ा अच्छा था। ब्रूनो बाथरूम में नहीं घुस, मैं बाहर। चलो आ जाओ। स्टॉप सेइंग दैट, दैट इज इनअप्रोप्रिएट। यू आर नॉट सपोज्ड टू से दैट। व्हाई? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे यूट्यूबर्स पूप नहीं करते होंगे? या बट से लारोश पोसे। लारोश पोसे क्या है यार? डिस्गस्टिंग। ये डिस्गस्टिंग। चलो सर, वो जो तुमने प्यार से मेरे लिए शीरमाल बनाया था ना, सॉरी शीरमाल क्या बनाया था? ट्रायंगल क्या होते हैं? तुम्हारे लिए नहीं बताओ ना। था तुम्हारे लिए नहीं? अच्छा होता क्या? जितनी मुझे वैलिडेशन मिल गई ना वो मिल गई गेस्ट। यार दे दो यार, वो ट्रायंगल वाला वो जो होता है, मैं नाम भूल गया मेरे दिमाग से, मैंने अभी 5 मिनट पहले ही बोला था। क्या था ऐसे बताओ? शीर खोरमा, शीर बाल, मुझे बताओ ना। शाही टुकड़े इन्होंने बनाए थे बड़े प्यार से। फिर मुझे याद आया सारा कुछ खाने के बाद कि वो तो मैंने खाए नहीं। फिर मैंने कहा हाँ इसे टेस्ट कर लेते हैं, मतलब इतने ठंडे नहीं होंगे कभी क्योंकि बाहर पड़े थे। फ्रीजर में रखे हैं। रखे हैं? अपने लिए। मेरे लिए? अपने लिए। यार ये कवर अप होता है हस्बैंड के लिए ना, सब कुछ करते हैं ये सिर्फ रफ एंड टफ। हम दोनों बहुत ज्यादा रफ एंड टफ एक्ट करते हैं। मैं तो कोई नहीं एक्ट करती रफ एंड टफ, आई एम जस्ट एज एक्सप्रेसिव ऑन कैमरा। आई एम आल्सो एक्सप्रेसिव बट फिर भी कभी कभी जैसे सख्त लौंडा बनना तो कभी कभी बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं, लेकिन हम अंदर से दोनों बहुत हद से ज्यादा शदीद मुशी मुशी। तुमने भी तो इतना मेकअप किया तो वो नहीं हो रहा। क्या कौन सा मेकअप किया? मैंने बाल बनाए थे सिर्फ। तुम पागल वागल तो नहीं हो? ये नेचुरल ग्रो और ये जो नेचुरल आप देख रहे हो ना, ये जरा देखें तो सही भाई को। ये ओह आज सर भाई ने दाढ़ी बनाई। लड़कों का सिर्फ जो फेशियल फुशल होता है ना वो होता है दाढ़ी बनाना। तुम क्या पागल पागल तो नहीं हो? तुम्हारे दिमाग ठीक है? मेकअप वेकअप होता तो मेरी शक्ल ऐसी होती। मैंने आज दाढ़ी बनाई अपनी। लड़कों का सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एक होती है दाढ़ी बनाना और एक होती है बाल बनाना। सो बाल भी बन गए, दाढ़ी भी बन गई,
और आज आपका भाई बहुत फिट लग रहा था। भाई ने बड़े अरसे बाद, आई थिंक सालों बाद इंस्टाग्राम पे लगाई है पोस्ट। इंस्टाग्राम पे भाई ने तस्वीरें लगाई हैं, एक नहीं चार पांच तस्वीरें लगाई एक साथ, थर 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 ईद फोटो डंप। तो चलेंगे आज, दैट्स इट टुडे, आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलता है अगली वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।